Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today we will study about the nodes of deltoid muscle. Deltoid muscle के 3D वीडियो को हम अपने ओल्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं. उसे देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. This is the diagram of deltoid muscle. This is the anterior view and this is posterior view. Deltoid muscle स्कैपुलर रीजन की मसल है. ये शोल्डर का राउंडेड कॉन्टूर बनाती है एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. लेट्स सी, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. दिस आर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ डेल्टॉइड मसल एंड दिस इज द इंसर्शन पॉइंट. इसका ओरिजिन तीन जगह से होता है. फर्स्ट वन इज द क्लेविकल, सेकेंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड थर्ड इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला. एंड इसका इंसर्शन डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर होता है. नाउ आई शो यू द ओरिजिन इन डिटेल. This is the lateral one third part of clavicle. This is the anterior border of clavicle and this is the posterior border of clavicle. This is the acromion process of scapula. This is the lateral border of acromion process of scapula and this is the medial border of acromion process of scapula. And this is the spine of scapula and this is the lower lip of spine of scapula and this is the upper lip of spine of scapula. Deltoid muscle ka origin क्लेविकल की एंटीरियर बॉर्डर एंड उसकी एडजॉइनिंग सरफेस से होता है. सेकेंड ओरिजिन एक्रोमियन प्रोसेस की लेटरल बॉर्डर से होता है. एंड थर्ड ओरिजिन स्पाइन ऑफ स्कैपुला के लोअर लिप से होता है. सो दिस थ्री पॉइंट्स आर द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल, एंटीरियर बॉर्डर एंड इट्स एडजॉइनिंग सर्फेस ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला. ये सारे फाइबर्स कन्वर्ज होकर डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं. इसके एक्रोमियन फाइबर्स को मल्टीपिनेट फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रिलेटिवली स्मॉल एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं. ये फोर सेप्टा ऑफ ओरिजिन के थ्रू अटैच होते हैं. दिस आर द फोर सेप्टा ऑफ ओरिजिन एंड ये सारे फाइबर्स कन्वर्ज होकर थ्री सेप्टा ऑफ इंसर्शन बनाते हैं. दिस आर द थ्री सेप्टा ऑफ इंसर्शन एंड ये इंसर्शन के तीनों सेप्टा डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर आकर इंसर्ट हो जाते हैं. सो दिस आर द एक्रोमियल फाइबर्स विच आर मल्टीपिनेट फाइबर्स. नाउ आई शो यू द एक्शन. दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू. वो फाइबर्स जो कि क्लेविकल से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें एंटीरियर फाइबर्स भी कहते हैं. ये इंटीरियर फाइबर्स आर्म का फ्लेक्शन या मीडियल रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं. दिस आर द पोस्टीरियर फाइबर्स जो कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होते हैं. दिस फाइबर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म. ये आर्म का लेटरल रोटेशन और एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाते हैं. एंड दिस आर द एक्रोमियल फाइबर्स. ये एक्रोमियल फाइबर्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं. ये आर्म का एबडक्शन करवाते हैं फ्रॉम बिगनिंग टू 90 डिग्री. बिगनिंग से लेकर 90 डिग्री तक का एबडक्शन ये एक्रोमियल फाइबर्स प्रोड्यूस करवाते हैं. सो दिस आर द एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड मसल. सो टुडे वी विल स्टडी द डेल्टॉइड मसल अंडर फॉलोइंग सब हेडिंग्स. फर्स्ट ओरिजिन, सेकेंड इंसर्शन, थर्ड स्पेशल फीचर, फोर्थ नर्व सप्लाई, फिफ्थ एक्शंस, सिक्स स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड एंड सेवेंथ इज क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ डेल्टॉइड मसल. इट इज़ द मसल ऑफ स्कैपुलर रीजन. डेल्टॉइड स्कैपुलर रीजन की मसल है. इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप. ये ट्राइंगुलर शेप की होती है एंड इट फॉर्म्स राउंडेड कॉन्टूर ऑफ द शोल्डर एंड ये शोल्डर का राउंडेड कॉन्टूर बनाती है. नाउ वी विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल. फर्स्ट पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल. एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजॉइनिंग सर्फेस ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल. इसका ओरिजिन लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल की एंटीरियर बॉर्डर एंड उसकी एडजॉइनिंग सर्फेस से होता है. लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस की लेटरल बॉर्डर से होता है. एंड लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला के क्रेस्ट के लोअर लिप से भी इसका ओरिजिन होता है. सो दिस आर द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल. सेकेंड पॉइंट इज द इंसर्शन.
डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, इसका इंसर्शन ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी पर होता है। थर्ड इज स्पेशल फीचर, इट इज़ अ मल्टीपिनेट मसल, डेल्टॉइड मसल मल्टीपिनेट मसल होती है। मेनी फाइबर्स अराइज फ्रॉम फोर सेप्टा ऑफ ओरिजिन एंड आर अटैच अबाउट टू द एक्रोमियन प्रोसेस, इसके फाइबर्स फोर सेप्टा के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं एंड ये एक्रोमियन प्रोसेस पर अटैच होते हैं। दिस फाइबर्स कन्वर्स ऑन टू थ्री सेप्टा ऑफ इंसर्शन विच आर अटैच्ड टू द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, एंड ये सारे फाइबर्स कन्वर्स होकर इंसर्शन के तीन सेप्टा बनाते हैं एंड ये सारे सेप्टा डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पर आकर इंसर्ट हो जाते हैं। फोर्थ इज नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व C5 to C6, डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है एंड इसकी रूट वैल्यू है C5 C6। फिफ्थ पॉइंट इज द एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड मसल, द इंटीरियर फाइबर प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। डेल्टॉइड मसल के इंटीरियर फाइबर्स आर्म का फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। पोस्टीरियर फाइबर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स आर्म का एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। एंड मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर्स आर पावरफुल एबडक्टर्स ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम बिगनिंग टू 90 डिग्री। एंड एक्रोमियल फाइबर्स जो कि मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं वो आर्म के पावरफुल एबडक्टर्स होते हैं एंड ये शोल्डर जॉइंट पर आर्म का एबडक्शन बिगनिंग से लेकर 90 डिग्री तक करवाते हैं। सो दिस आर द एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड मसल। सिक्स्थ पॉइंट इज द स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डेल्टॉइड मसल के अंदर सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट इज बोन्स, फॉलोइंग बोन्स डेल्टॉइड मसल के अंदर सिचुएटेड होती है। अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड कोरकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। सेकेंड इज मसल्स, इंसर्शन ऑफ, फॉलोइंग मसल्स का इंसर्शन डेल्टॉइड मसल के अंदर सिचुएटेड होता है। पेक्टोरेलिस माइनर, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टीरियस माइनर, सब स्कैपुलरिस, पेक्टोरेलिस मेजर, टीरियस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई मसल। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ, फॉलोइंग मसल का ओरिजिन डेल्टॉइड के अंदर होता है। कोरेको ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। नेक्स्ट इज वेसल्स, फॉलोइंग वेसल्स डेल्टॉइड के अंदर सिचुएटेड होती है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। नर्व, एक्सिलरी नर्व भी डेल्टॉइड के अंडर कवर सिचुएटेड होती है। फिफ्थ इज जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, फॉलोइंग जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स डेल्टॉइड के अंदर सिचुएटेड होते हैं। शोल्डर जॉइंट, मस्क्यूलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। एंड लास्ट इज बर्से, विच आर सिचुएटेड अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड। दे आर सब स्कैपुलर बर्सा, इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सब डेल्टॉइड बर्सा। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड मसल। लास्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ डेल्टॉइड मसल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द डेल्टॉइड। दे शुड बी गिवन इन द मिडिल ऑफ द मसल टू अवॉइड इंजुरी टू एक्सिलरी नर्व। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस डेल्टॉइड मसल में दिए जाते हैं एंड ये मिडिल ऑफ द मसल में दिए जाने चाहिए ताकि एक्सिलरी नर्व को कोई इंजुरी ना हो। द डेल्टॉइड मसल इज टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू एबडक्ट द आर्म अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाइड विथ वन हैंड एंड फीलिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स विथ द अदर हैंड। डेल्टॉइड मसल को टेस्ट करने के लिए पेशेंट को आर्म को एबडक्ट करने के लिए कहा जाता है एंड उसके शोल्डर पर एक हाथ से रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है एंड दूसरे हाथ से डेल्टॉइड को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील किया जाता है। सो दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ डेल्टॉइड मसल। सो दिस ऑल वर द डिटेल्स ऑफ डेल्टॉइड मसल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।